सोनपुर जंगल रे बहुत गुड़ाए चढ़ई रहुथिले। से माने भगवान को उपरे बहुत विश्वास करुथिले। श्रावण मास आसिला, से माने समस्ते बोलबम जीवा पाई योजना कले। भाई माने आज मु बहुत खुशी अच्छी, कहीं गत दुई वर्ष हैला आमे कोरोना महामारी पाई बोलबम जाई पारु नथिले, किंतु एबे सबु भगवान को दयारु सबु किछि ठीक हे आसलानी। एबे आमे खुशी रे बोलबम जाई पारिबा। हाँ भाई, मो भी बहुत खुशी अछि। बहुत दिन परे आमे आम प्रभु को दर्शन करिबा। भाई माने आमे केउ पोखरीरु पानी उठैबा? आमे आरपट जंगलर बरगछ पाखरे थिबा पोखरीरु पानी उठैबा। नाही नाही भाई माने, मु सुनिथिली सेपट जंगलर एक दुष्ट काउ रहुछि, सेपट बाट देई जिए जाए से सेमानकु हैरान करे। आमे सेपट पोखरी को जीवा नाही। अरे तम्मे माने डरो नाही, आमरो किछि भी असुविधा हेबो नाही, काहेकि ना आमे परा भगवान को काम रे जाउछे, केही किछि आमरो खेती करि परिबे नाही। ता पर दिन सकाळु से माने उठी बाहरी पड़िले बोलबम रे जीवा पाई। से माने जाई आरपट जंगल रे पहुंचले। सेठी पहुंची से माने भगवान शिव को पूजा कले। पूजा सरीबा परे पोखरी रु पानी उठेले। से ही समय रे से ही दुष्ट काउ सेटारे आसी पहुंचला। आउ कहिला, अरे तमा मानकर तो बहुत साहस, तमे माने मो बिना अनुमति रे मो जंगल को आसी पोखरी रु पानी नेउछ। काउ भाई, पोखरी तो समस्तंकर, एथिरे अनुमति नेबा कोन दरकार? सामान्य चढ़ेटिए है तुम मुहरे जवाब दौचु, देखिबु मु एबे तोर कोन हालत करिबे। एहा सुनी चढ़ई माने भयरे एक गच्छ पछपटे लुचि गले। सेही समय रे भगवान शिव प्रकट हेले। हठात आकाश मार्गरु एक त्रिशूल आसी काउ देहरे बाजिला। काउ सेठारे छटपट हेई मरिगला। एहा देखि चढ़ई माने बहुत खुशी हेले। आउ भगवान शिवंकु मुंडिया मारिले।